In this session, we are going to take an excerpt from the history to explain a certain concept that helps us in understanding how inflation can influence the decision making in the financial markets and how inflation can be considered as a tool to develop some new financial instruments. सो so, जैसे कि हमें मालूम है कि इन्फ्लेशन की वैल्यू को कंसिडर किए बग़ैर आप एक करेक्ट डिसशन नहीं कर सकते अपने फाइनेंशियल मार्केट में किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर हैं कितनी कर रहे हैं इन सब चीज़ों को डिसाइड करने से पहले, पहले एक तो हमें ये देखना है कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिल रहा है दूसरा साथ ही में आपको ये ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है कि आपके जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है या रियलाइज्ड इन्फ्लेशन है उसके वैल्यूज़ कितने हैं सो so, ये सब चीज़ें अहम हैं व्हेन वी टेक द डिसीजन टू बाय और इन्वेस्ट इन एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट सो यहाँ जो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की जा रही है उस उसमें हम इन्फ़्लेशन के रोल को देख रहे हैं किस तरह से हुकूमत ने जर्मनी में इसको अहम समझा और लोगों के इन्वेस्टर के ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए और उनसे इन्वेस्टमेंट्स लेने के लिए या उनको मजबूर करने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करें डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन जर्मनी किस तरह से उन्होंने इस चीज़ का um, को अकाउंट फॉर किया इन्फ्लेशन को सो so, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो कोई भी बॉन्ड होल्डर है या कोई भी इन्वेस्टर है इन्फ्लेशन उसका सबसे सीरियस दुश्मन समझा जाता है और वी कैन कॉल इट एज द वर्स्ट एनमी फॉर द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द फाइनेशियल मार्केट्स कैसे क्योंकि जब आपको रिटर्न मिल रही है अगर वो इन्फ्लेशन एडजस्टड नहीं है तो इट माइट गिव यू अ फॉल्स इंप्रेशन और अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं तो इट मे बीस पॉसिबिलिटी कि आपको जो पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे थे वो इवेंचुअली ज़ीरो हैं या नगेटिव रिटर्न में वो तब्दील हो जाए सो so, हमने देखा कि नाइनटीन ट्वेंटीज़ के अंदर जर्मनी uh, के सेंट्रल बैंक जिसका नाम है राइक्स बैंक उसने ढेर सारा मनी प्रिंट करना शुरू कर दिया और उसके आपको पता है कि जब हम सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है मनी तो उसके उसके पास रिजर्व्स होने चाहिए आपको उसका कोई प्रोपोर्शन रखना होता है लेकिन नाइनटीन में जो सेंट्रल बैंक ऑफ जर्मनी है उन उन्होंने बेश बहार पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से 1922 में इन्फ्लेशन इन जर्मनी इंक्रीज करके वन वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर परसेंट बढ़ गई और यहाँ एक चीज़ अहम है जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि जब हम प्रिंटिंग मोर मनी की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन का उसे क्या लेना देना है तो वी हैव दिस क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी बाय इर्विंग फिशर विच वॉज प्रोमालगेटेड इन नाइनटीन सेवनटीन उसमें उन्होंने बोला था के जो सप्लाई ऑफ मनी है जितना भी मनी सर्कुलेशन में डाला जाता है उसका प्राइसेस के साथ में डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है तो अगर सप्लाई ऑफ मनी फ़ाइव परसेंट बढ़ेगा या टेन परसेंट बढ़ेगा तो कीमतें भी जनरल प्राइस लेवल भी उसी हिसाब से फ़ाइव परसेंट या टेन परसेंट इनक्रीज़ कर जाएंगी तो जब जब आप ढेर सारा मनी प्रिंट करके सर्कुलेशन में डालते हैं इकॉनमी के अंदर तो जितने प्रोपोर्शन से जितने परसेंटेज से आपने सप्लाई ऑफ मनी को इनक्रीज़ किया है उसी प्रोपोर्शन से आपकी कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं और जब आपने कीमतों को कट डाउन करना होता है तो उसका एक आसान तरीका ये होता है सेंट्रल बैंक के पास कि वो सप्लाई ऑफ़ मनी को स्क्वीज करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है और उससे प्राइस जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं कि लोगों के पास कम पैसा है और वो कम चीज़ें डिमांड करते हैं और उससे आपकी जो प्राइसेस है हैं या इन्फ्लेशन की वैल्यूज़ कंट्रोल हो जाती हैं तो चूंकि अभी हमने देखा कि सेंट्रल बैंक ऑफ जर्मनी ने 1920 के शुरू में बहुत सा मनी प्रिंट करना शुरू किया और सर्कुलेशन में डालना शुरू किया जिसकी वजह से 1922 में इट वाज़ ऑब्जर्व दैट द इन्फ्लेशन वेंट अप बाय 1024 एंड परसेंट एंड देन लेटर ऑन 1923 में यह उससे भी कहीं गुना ज़्यादा बढ़ गई एज कैन कैन बी सीन बाय दिस नंबर लेकिन Uh, जब उस इसी चीज़ को हम देखेंगे वैल्यू ऑफ़ मनी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आया है तो नेचुरली जब इन्फ्लेशन काफ़ी हद पे बड़ा चला हो जाता है इंक्रीज कर जाता है तो वैल्यू ऑफ़ मनी डिटीरिट कर जाता है सो दिस कैन बी इलास्ट्रेटेड बाय लुकिंग एट दिस वैल्यू कि उस ज़माने में 1923 में जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा शूट अप कर गई सेंट्रल बैंक के ज़्यादा प्रिंट करने से नोटों को तो एक यू डॉलर तकरीबन 4.2 बिलियन राइक्स मार्क का था राइस मार्क उस वक्त की जर्मन करेंसी का नाम है सो लेटर ऑन ये इतनी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई थी और इतनी ख़राब बन गई थी इसकी वैल्यू डिटीरिट कर गई थी कि उन्होंने लेटर ऑन जर्मन मनी की जो करेंसी है उसका नाम बदल दिया फ्रॉम फ्राम मार्क सो अभी आप देख सकते हैं कि 4.2 पॉइंट टू बिलियन रैक्समार्क दे के आपको एक यू डॉलर मिलने जा रहा है नाइनटीन में ये दिस वॉज द एक्सचेंज रेट सो इस पर्टिकुलर चीज को कट डाउन करने के वास्ते क्या हुआ कि जर्मनी में जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के बाद आ, के दौरान बॉन्ड्स इशू किए जर्मन बॉन्ड्स तो अगैन जब आपको नज़र देखने को मिल रहा है कि एक्सचेंज रेट इतना ख़राब हो गया था जर्मन करेंसी का कि नो बडी इन्वेस्टेड इन दोज़ बॉन्ड्स क्योंकि उनको पता था कि जो भी रिटर्न इसके ऊपर मिलेगा इन्फ्लेशन इतनी हाई है तो हमें जब हम रियल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो हमें उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो इट जस्ट डिड नॉट क्लिक इन द मार्केट कोई मार्केट में उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट खातिर ख्वा नहीं है देखने को मिला इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए इस चीज़ को अकाउंट फॉर करके इस चीज़ को ओवर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जर्मन जर्मनी में उन्होंने 2006 के अवाइल में अर्ली 2006 के अंदर जर्मनी ने लॉन्च करे इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स इसका मतलब ये है कि Uh, आपने जो भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा है तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि आपको जो रिटर्न मिलेगी वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगी वो नॉमिनल टर्म्स में इंटरेस्ट रेट नहीं होगा दैट वुड बी इन रियल टर्म्स जो भी इन्फ़्लेशन चल रहा होगा उसको एडजस्ट करके अकाउंट फॉर करके हम आपको इतने परसेंट इंटरेस्ट देंगे अगर आप इस ये बॉन्ड्स हमारे से ख़रीदेंगे और हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे सो इस पर्टिकुलर चीज़ को अकाउंट फॉर करके जब गवर्नमेंट ने ये ऑफर किया कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड्स हम आपको देने जा रहे हैं 2006 में तो देर वॉज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट टुक प्लेस और लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया सो वी कैन सी दैट किस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो इन्वेस्टर को भगा देती है इन्फ्लेशन एडजस्टेड स्टेप लिया गया तो नेचुरली देर वॉज मोर इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन बाय द इन्वेस्टर्स एंड वैन वी वैन वी सी दैट इन्फ्लेशन अगर नॉर्मल हथ के ऊपर बैठी हुई है जनरली लो लेवल के ऊपर है तो बॉन्ड्स um, को इशू करके uh, हुकूमत के पास सबसे आसान तरीका होता है या चीप तरीका होता है सस्ता तरीका है इकनॉमिकल वे है फंडस को जनरेट करने के लिए तो आपने जब नेचुरली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करने के वास्ते गवर्मेंट को पैसा दरकार होता है तो गवर्नमेंट बोरो कैसे करेगी तो वो बॉन्ड्स इशू कर देती है जैसे पाकिस्तान में हमने देखा ऑफ एंड ऑन सुकूक बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं तो हुकूमत जो है सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी जिन लोगों के पास बैठा है जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको बॉन्ड्स ऑफर करती है और वहाँ उनको एक सर्टन प्रॉमिस करती है कि ये इंटरेस्ट रेट हम आपको ऑफ़र करेंगे या जैसे सुकूक है तो उसमें आपको बोला जाता है कि कम से कम इतना इंटरेस्ट आपको ऑफर होगा या इंटरेस्ट रेट की ये ब्रैकेट रहेगी जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करेगा लेकिन आप इस तरह से मनी जनरेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए सो दिस इज़ अ चीप वे और आर एन ईजी वे ऑफ जनरेटिंग मनी फॉर द गवर्नमेंट बट इफ द इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई अगैन नेचुरली पीपल विल नॉट इन्वेस्ट इन योर बॉन्ड्स दे विल स्टे अवे फ्रॉम इट तो उसका आसान तरीका हल क्या था यू के में बी एस ए हुआ यू एस ए में हुआ फिर जर्मनी में टू थाउजेंड सिक्स में उन्होंने ये बॉन्ड्स निकाले जिसमें रिटर्न inflation-adjusted tha or return inflation-adjusted return was, was promised by the government of germany